राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों ही छात्र संगठनों ने अपने अपने पैनल उतार दिए हैं। जहां एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर जाट छात्र नेता राजपाल चौधरी को टिकट दिया, तो वहीं एनएसयूआई ने भी जातिगत समीकरण को देखते हुए जाट छात्र नेता रणवीर सिंघानिया को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया। साथ ही एबीवीपी ने महासचिव पद पर भी जाट छात्र नेता दिनेश चौधरी को चुना, जिसे देखते हुए एनएसयूआई ने चेतन यादव को महासचिव पद के लिए मैदान में उतारा है। एबीवीपी ने विश्व राजस्थान विश्वविद्यालय के सबसे बड़ा वोट बैंक मानी जाने वाली महारानी कॉलेज की दो छात्राओं को उपाध्यक्ष और सचिव संयुक्त सचिव पद के लिए चुना है। दूसरी ओर एनएसयूआई ने महारानी कॉलेज की सोनम गुर्जर को उपाध्यक्ष, राजस्थान कॉलेज के नुमान खान को संयुक्त सचिव पद का उम्मीदवार बनाया है। लेकिन दोनों ही संगठनों के बागी निकलने वाले छात्र नेताओं को लेकर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं, जिनमें एबीवीपी संगठन की ओर से टिकट की दौड़ में चल रहे अमित बड़बड़वाल और अध्यक्ष पद की तैयारी कर रही संध्या सुखार ने संगठन से बागी होने का ऐलान कर दिया है। एनएसयूआई की ओर से जाट छात्र नेता महेश सामोता भी बागी होकर अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। चुनाव को लेकर आज विश्वविद्यालय में नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं, जिनमें पैनल के साथ साथ बागी हो रहे छात्र नेता भी अपने अपने नामांकन भर सकेंगे। इस प्रकार से एनएसयूआई संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया है, एनएसयूआई परिवार ने मुझको महासचिव का जो उम्मीदवार घोषित किया है, मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा एनएसयूआई निश्चित रूप से इस बार अपना पूरा पैनल राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई पूरा पैनल परचम लहराएगा। पूरा एनएसयूआई परिवार उन्हें मना कर लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, ये एक सामान्य बात है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में हम एनएसयूआई के 10 छात्र नेता तैयारी कर रहे थे। एनएसयूआई ने दो छात्र नेताओं को टिकट दी, बाकी हमसे रूठे हुए हैं। हम उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो हमारे भाई है, हमारे संघर्ष के साथी है, और निश्चित है आने वाले समय में एनएसयूआई परिवार उन्हें भी मौका देगा और हम सब मिलकर उनके साथ आगे भी रहेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता लोकेश ओला फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लोकेश, दोनों ही पार्टियों ने, एबीवीपी और एनएसयूआई ने, जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, कहीं जातिगत समीकरण भारी तो नहीं पड़ जाएगा? जी, मैं बताना चाहूंगा, इनकी राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र चुनाव को लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों ने छात्र राजनीति में जातिगत समीकरण देखते हुए अपना पैनल उतारा, जिसमें एबीवीपी ने अध्यक्ष पद के लिए इनकी जो राजपाल चौधरी को उतारा, वही एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद के लिए रणवीर सिंघानिया को अध्यक्ष पद उतारा, जिसको लेकर देखा गया है इनकी जो जातिगत समीकरण है वो इनकी इस बार कहीं जो निर्दलीय जो बागी छात्र नेता रहेगा उन पर कहीं ना कहीं भारी रहेगा। जी लोकेश, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है कैंपस का माहौल और क्या कुछ अपडेट्स है सारी बताएं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज छात्र संघ का नामांकन दाखिल किया जा रहा है, जिसको लेकर एबीवीपी और एनएसए के लगभग सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। साथ ही जो बागी छात्र नेता हो रहे हैं उन्होंने भी अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, इसको लेकर इनकी अब आगे कयास लगाया जाएगा कि कौन कौन छात्र नेता जो बागी है वो अपना अपना इनकी जो मतपत्र है वापस लेते हैं। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वन संवाददाता लोकेश ओला फोनलाइन पर जुड़े हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए।